किसान अब भी सरकार से नाराज हैं। किसानों का आरोप है सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। आज किसान लेकिन के खिलाफ के लिए जो धनराशि मिली है उसका गन्ना किसानों को भुगतान किया जा रहा है। सात इस दिन हो गए और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस घर मंत्री जी ने 70 करोड़ की घोषणा करी वो देहरादून हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए करी, वो तो एक किसानों का इस तरीके से सरकार मजाक उड़ा रही। शुगर फैक्ट्रियों को उत्तरांचल गवर्नमेंट की तरफ से पर सरकार ने इसमें हमारे शुगर फैक्ट्री इकबालपुर को 3,89,00,000 रुपए मिला और वो किसानों के खाते में जा चुका है और 20 रुपये क्विंटल जो हमें सूत्रों से प्राप्त सूचना है 20 रुपये क्विंटल और सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने सैंक्शन कर दिया है और वो उम्मीद है दिवाली से पहले किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। रुड़की के बिनारसी गांव में बच्चों की मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर नाम के आला स्थिति पर काबू पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि दूसरे पक्ष के सभी आरोपी फरार हैं जिनके पुलिस तलाश में जुटी है। नहीं दिए इन्होंने कि बच्चों का झगड़ा हुआ उसी में दोनों पक्ष कोई छतों में चढ़ गए पथराव किया गया और उसकी टोपी वहीं रह गई। अजी वो पहले बच्चों में झगड़ा हुआ और फिर दूसरे परिकन वहाँ खड़े हुए के गाड़ी को उतार देने लगे, ये भी चढ़ गए ऊपर बच्चा आग उस पर तो उन्होंने वो बच्चा दबोच कर निश्चित। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार वृक्ष लगाने पर करोड़ों के बजट खर्च कर रही है वहीं रुड़की और मंगलोर के वन माफिया हरियाली को खत्म कर आम का सफाया किया जा रहा है। इतना ही नहीं ये वन माफिया हरिद्वार के पूरे जिले में सक्रिय है जिनकी वन अधिकारियों और उद्यान विभाग के अधिकारियों से अच्छी सेटिंग रहती है। वन माफिया अब हरे भरे बागों को अपना निशाना बना रहे हैं। आलम यह है कि बिना किसी विभागीय परमिशन के आम के बाग काटे जा रहे हैं। इस काम में वन माफियाओं के साथ ऊपर बैठे अधिकारी भी रहते हैं। इन वन माफियाओं को किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है हो या आने में लगे रहे हैं। मथुरा के गोवर्धन में गिरिराज जी की पूजा करने के लिए श्रद्धा का वंश ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की थी। ये प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है जहां देश विदेश से भी लोग गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। इस दिन गिरिराज और उनके दर्शन अपने आप पर भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा समझते हैं और इस पूजा के बाद गोवर्धन महाराज की समूचे ब्रज में घर घर पूजा की जाती है।
का जल्द